नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो मरकरी के रिगार्डिंग बना रहे हैं। अगर वो लिब्रा में हो, लिब्रा एसेंडेंट में हो, तो क्या रिजल्ट देगा उसके रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं। वीडियो जो बनाएंगे उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन मैं हर वीडियो में देता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन फिर से दे देता हूँ कि आप लोग अगर न्यू हैं मेरे चैनल पे, आपने पहली बार देखे हैं, या आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं डिटेल नहीं भेजा है और वो अपना कुंडली चार्ट रीड करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप 15 अगस्त से पहले पहले अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, अपने दो सवाल और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना नाम भेज दीजिए। कई सारे कुंडलियाँ रिजेक्ट हुई हैं बिकॉज उन्होंने नाम नहीं भेजा या डिलीट हो गया है, तो नाम ज़रूर भेजिएगा, चैनल, अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा, टाइम ऑफ बर्थ भेजिएगा, प्लेस ऑफ बर्थ प्रॉपरली भेजिएगा, स्टेट के साथ भेजिएगा और क्या बोलते हैं अपने दो सवाल भेजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोगों को 15 अगस्त के बाद अगर आप लोगों की आपकी कुंडली सिलेक्ट होती है, सब जितने भी कुंडली आएंगी तो आपकी कुंडली सिलेक्ट हो जाती है, तो आपके दो सवालों के जवाब मैं प्रोवाइड करता हूँ। और साइमल्टेनियसली है जो उन लोगों की कुंडली रिपीटेड अभी तक नहीं मैंने सिलेक्ट किया, अब जो रीडिंग हो चुकी है ख़त्म कर रहा हूँ, अब 15 अगस्त के बाद शुरू करूँगा, तो अगर आपकी रीडिंग नहीं हुई है, आप लोगों की रीडिंग नहीं कर पाया हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिपीट लिख के 15 अगस्त भेज दीजिएगा। और सवाल थोड़े से सीरियस वाले पूछिएगा, थोड़े सा मतलब डेप्थ में जाके पूछेगा। एक ही चीज़ों के बार बार सवाल जवाब करने का मुझे समझ नहीं आता। और जिनकी कुंडली में कॉम्प्लेक्सिटी है उनको पता है, जो भेजते हैं उनको पता है कि उनकी कुंडली में कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उन लोगों को दो सवालों में मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं क्या बोलूँ आपको दो सवालों में, जब मुझे दिख कुछ और रहा है और समझ कुछ मुझे और आ रहा है और आप सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता आज के तारीख में जो सवाल का, या उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है जी कि मैं उस सवाल का जवाब कहाँ से दूँ। जब किसी की कोई पहाड़ पे खड़ा है और कह रहा है जी कि भैया कि मुझे तैरने का मन कर रहा है, मैं कैसे तैरूँ, तो अब मेरे को समझ नहीं है जी कि मैं कैसे इस सवाल का जवाब दूँ। तो जब आप पहाड़ पे खड़े हैं तो आप पहाड़ की सोचिए कि बारिश ना हो, उतरने का क्या रिस्क है, लैंडस्लाइड का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ और पे सपने मत बुनिए प्लीज़। तो ये ज्ञान देने का मुझे कोई शौक नहीं है ज़्यादा ये सब बोल के, लेकिन हाँ आप जब सवाल पूछते हैं तो वो पूछिएगा जो आज आपके करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा सोच के पूछिएगा। बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और यही मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा। जो पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। जो लोग न्यू कुंडली भी सेंड करेंगे वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा प्लीज़, तो उन लोगों की कुंडली मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। 15 अगस्त तक का अभी डेट चल रहा है, 15 अगस्त के बाद आप लोगों में से जो जो कुंडली सिलेक्ट होगी उसकी रीडिंग करूँगा। आज हम लोग मरकरी अगर लिब्रा एसेंडेंट में हो तो उसका क्या रिजल्ट होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसकी रीडिंग कर लेते हैं कैसे क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये है मरकरी। मरकरी यहाँ अगर लिब्रा एसेंडेंट में बैठा है, लिब्रा लगन में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो उसका क्या असर होगा। सबसे पहले लिब्रा आपको पता है जी कि वीनस का घर है। वीनस इसका हाउस क्या बोलते हैं ओनर बनता है। लिब्रा एसेंडेंट का ओनर वीनस है और मरकरी और वीनस की काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन बनता है। दोनों फ्रेंडली प्लैनेट है, राक्षस गण के बनते हैं, तो दोनों अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब सवाल ये आता है जी कि यहाँ पे बैठा हुआ मरकरी क्या रिजल्ट देगा। तो मरकरी यहाँ से बैठा हुआ सबसे पहले तो अपना सेवन्थ हाउस पे दृष्टि देगा, उसकी एक ही दृष्टि है, तो अपना सीधी दृष्टि सातवें घर पे देता है। अब जो जो प्लैनेट हम लोग फर्स्ट हाउस की बात करें, सारी जोडियक साइन पे मरकरी फर्स्ट हाउस में बैठ के सेवन्थ हाउस में दृष्टि देगा, लेकिन यहाँ पे फर्क आ जाता है किस हाउस में उसका ओनरशिप बैठा हुआ है। तो ओनरशिप उसका सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है और थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। अब सवाल ये आता है जी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिविटी कैसी रहेगी। एक नेगेटिविटी ये रहेगी जी कि मरकरी जो है, नेगेटिविटी नहीं कह सकते लेकिन ये कह सकते हैं, मरकरी अगर 12th हाउस का लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में जाके बैठा है तो हो सकता है जी कि ये जो पर्सन है वो अपने सारे एक्सपेंसेस या अपना जो खर्चा है वो अपने आप पे, अपने वेलबींग पे या अपने ऊपर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर वो बंदा बाहर अपने से फॉरेन लैंड में सेटल है, बर्थ प्लेस से बाहर सेटल है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वो पर्सन नहीं भी है तो ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है यहाँ।
यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ मरकरी आपके एक्सपेंसेस जो भी हैं, आपका खर्चा, ये ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे अपने खर्चा अपने ऊपर करने में, अपने लिए बहुत खर्चा करेंगे, तो अपनी आत्मा, अपना शरीर, अपनी प्यूरिफिकेशन, पर्सनैलिटी की सब चीज़ में इनका एक्सपेंसेस होगा। मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ ये एक्सपेंसेस करवाएगा, जो भी एक्सपेंसेस होगा मोस्ट प्रोबेबली वो आपका इसी पे होगा, आपकी पर्सनैलिटी पे होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा जी कि हो सकता है आपको बाहर के सोर्स से इनकम मिले, आपको बर्थ प्लेस से बाहर से कुछ इनकम की सोर्सेज बना दे मरकरी। अब मरकरी की पर्सनैलिटी अगर फर्स्ट हाउस में बैठे और वीनस लगन हो और सेवन्थ लिब्रा लगन हो और वीनस उसका मालिक हो तो क्या असर करेगा, ये असर करेगा जी कि मरकरी यहाँ पर बैठा हुआ इंटेलिजेंसी देगा, करेज देगा, स्मार्टनेस देगा और चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ साथ एक कैलकुलेटिव और एनालिटिक पर्सनैलिटी भी बनाएगा। तो वीनस अगर अच्छा बैठा हुआ तो आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग के साथ साथ आपके एनालिटिकल और कैलकुलेटिव होगी, जिसके कारण आप किसी भी फील्ड में जो भी वीनस से रिलेटेड या मर्करी रिलेटेड होगा उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, चाहे वो ब्यूटी ब्यूटी से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो, क्या बोलते हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब हो या कोई सा भी जॉब हो या कोई सी भी काम हो जिसमें आप मर्करी और वीनस को कैलकुलेट करते हैं उसमें आप अच्छा करेंगे। आप बिजनेस में भी अच्छा कर सकते हैं अगर मरकरी वीनस अच्छी जगह बैठा हो, मरकरी तो अच्छी जगह बैठा ही है। साइमल्टेनियसली यहाँ पे थर्ड हाउस का, नाइन्थ हाउस का ओनर है, थर्ड नंबर लिखा है, तो नाइन्थ हाउस का ओनर होकर मरकरी यहाँ बैठ रहा है, तो इस कारण मरकरी यहाँ पे जब बैठ रहा है तो ज्ञान के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, भाग्य के थ्रू आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही लंबा ग्रोथ देगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और धर्म की तरफ आपको भेजेगा, फुल फ्लेज नहीं भेजेगा लेकिन काफ़ी हद तक भेजेगा और आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। फादर से भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि नाइन्थ हाउस से भी हम कभी कभी फादर को कैलकुलेट कर रहे थे। गुरु टीचर्स की हमेशा रेस्पेक्ट करिएगा, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 32 साल की एज पे जब आप 31 क्रॉस करके 32 पे पढ़ेंगे तब आपके लिए एक अच्छा ग्रोथ रहेगा। 52 ईयर्स ऑफ एज भी अच्छा रहेगा क्योंकि अगर वीनस अच्छी जगह बैठा है तो 52 ईयर ऑफ एज भी अच्छा नंबर कैलकुलेट करने के लिए, ग्रोथ के लिए रहेगा। लेकिन 32 इज़ ए मोर रीजनेबल नंबर एट द एज ऑफ 32। आपको व्हेन यू विल बी रनिंग योर 32 ईयर, मतलब 31 टू 32 जब आप क्रॉस कर रहे होंगे तब आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन 32 के बाद भी अच्छा रहने के चांसेस है। 33 कैन बी ऑल्सो गुड नंबर। इसके बाद भाग्य में अच्छा ग्रोथ इस साल में काफ़ी अच्छा मिल सकता है क्योंकि नवम का मालिक होकर पहले घर में बैठा है और नवम पंचम का योग भी बना रहा है अपने घर से। देख लीजिए 9 10 11 12 1, मतलब 1 2 3 4 5 नवम पंचम का योग बना रहा है अपने घर से, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। त्रिकोण में बैठा हुआ है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पे मरकरी। ग्रोथ बहुत अच्छी थी, इसकी अंतरदशा महादशा में ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी, लक आपका फेवर करेगा, नॉलेज आपको मिलेगा, आप उसको गवर्नमेंट जॉब में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और फॉरेन लैंड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर फॉरेन में सेटल होना चाहे तो, क्योंकि अगर वीनस या राहु कहीं अच्छा जगह बैठ गया तो ये आपको अच्छी जगह पोस्टिंग दिला देगा, आपके बर्थ प्लेस से अच्छी जगह पे भेज देगा। साइमल्टेनियसली अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ मरकरी अगर आपको सेवन्थ हाउस पे दृष्टि दे रहा है तो सेवन्थ हाउस में आपकी रिलेशनशिप में कैलकुलेशन लाएगा, एनालिटिकल पावर लाएगा और वीनस के साथ रहते हुए इस वीनस का असर घर का होता है। वीनस अगर अच्छा है कहीं पे बैठा है तो चांद मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी बैठा तो भी अकेले मरकरी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा बशर्ते कोई नेगेटिव प्लैनेट ना बैठा हो। यहाँ पे किसी भी चीज़ को जो जो बोला उसमें अगर नेगेटिव प्लैनेट बैठ जाए तो यहाँ पे मरकरी के असर कम हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। अगर सेवन्थ हाउस पर दृष्टि दे रहा है तो यहाँ पे कपल का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, नेचर में दोनों का इनके एनालिटिकल एनालिसिस की नेचर की वजह से इनके साथ इनके पार्टनर के साथ इनका अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन कोल्ड हार्टेड मत होइएगा क्योंकि मरकरी यहाँ पे बैठे बैठे कुछ ज़्यादा ही एनालिसिस और कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन में डाल देता है और कहीं कहीं यहाँ पे एग्रेसिव मार्स, यहाँ पे मार्स हमेशा एग्रेसिव रहता है, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो हो सकता है जी कि उनको कंट्रोल करने में आप अच्छे रहे लेकिन उनको समझने में कहीं आपका कोल्ड हार्टनेस ना दिख जाए क्योंकि वो फिर एग्रेसिव हो जाएंगी और आपके साथ या एग्रेसिव हो जाएंगे और वो फिर आपको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो थोड़ा सा उनके अपने को कोल्ड हार्टनेस को हटा दीजिएगा, इंपॉर्टेंस ही दीजिएगा, उनको वैल्यू करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस, अगर मरकरी लिब्रा लगन में रहे और उसका फर्स्ट हाउस में रहे तो क्या असर होगा, ये मेरा एनालिसिस था। थैंक यू फॉर listening.